आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चे, हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज अ प्रोटेम स्पीकर। पार्लियामेंट्री फंक्शन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आपने लोकसभा में या मेन जो हमारी पार्लियामेंट्री फंक्शंस हैं, ये टर्म कई बार सुनी होगी, कई बार ये पढ़ने में भी आता है प्रोटेम स्पीकर क्या है या प्रोटेम स्पीकर का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। तो हम आज इस टॉपिक को समझेंगे और इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो बच्चे, जो प्रोटेम स्पीकर है ये एक लैटिन टर्म है, ठीक है। जो लैटिन शब्दावली है आपकी, लैटिन टर्म है, वहां से इस शब्द को लिया गया है प्रोटेम स्पीकर, ठीक है। जिसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है या एग्जैक्ट मतलब होता है, इसी को कहा जाता है प्रोटेम्पोर, ठीक। इसी को बच्चे प्रोटेम्पोर कहा जाता है, जिसका अगर हम हिंदी में बात करें तो मतलब आता है एग्जैक्ट केवल लिमिटेड टाइम पीरियड या फिर कुछ समय के लिए, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे बच्चे किस जो हमारा प्रोटेम स्पीकर है पार्लियामेंट्री फंक्शन में ये क्या होता है। और अभी हमने समझा कि जो हमारा प्रोटेम स्पीकर है ये एक लैटिन वर्ड है, जिसका एग्जैक्ट जो मीनिंग होता है वो प्रोटेम्पोर होता है, यानी कि एक टेम्परेरी पीरियड, यानी कि कुछ समय के लिए, ठीक है। नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि प्रोटेम स्पीकर को ही हिंदी में सामायिक अध्यक्ष भी कहा जाता है, ठीक है। जो सामायिक अध्यक्ष हैं, ये प्रोटेम स्पीकर को ही हिंदी में कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर भी बच्चे एक बात और ध्यान रखें कि जो प्रोटेम स्पीकर को हिंदी में हम सामायिक अध्यक्ष बोलते हैं, ये एग्जैक्ट जो आपकी मेन यूपीएससी के जो कुछ एग्जाम्स होते हैं, जो मेन हिंदी की ट्रांसलेशन है, वहीं पर इसको सामायिक अध्यक्ष कहा जाता है। अदरवाइज आप वन डे एग्जाम या नॉर्मल एसएससी लेवल के देखोगे तो वहाँ पर प्रोटेम स्पीकर को हिंदी में इसी तरीके से प्रोटेम स्पीकर ही लिखा होता है, ठीक। अब इसको समझते हैं। पार्लियामेंट्री फंक्शन में आपने पढ़ा होगा कि हमारे यहाँ लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा का जो फिक्स टाइम पीरियड है वो 5 साल का है, ठीक है। अगर हम बात करें, थोड़ा सा टॉपिक को समझें, अगर हम इस पर डिस्कस करें कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, लोकसभा का टाइम पीरियड कितना है, तो लोकसभा का जो टाइम पीरियड है, लोकसभा का जो कार्यकाल है, वो 5 साल के लिए होता है, ठीक है। और प्रत्येक 5 साल में लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं और नई लोकसभा का चुनाव होता है, ठीक है। वर्तमान चल रही लोकसभा का जब 5 साल में कार्यकाल पूरा हो जाता है, उसके सभी सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो जाता है, लेकिन लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसका कार्यकाल वर्तमान चल रही लोकसभा के साथ पूरा नहीं होता। यानी कि हमारे कहने का मतलब क्या है कि जब लोकसभा का 5 साल में कार्यकाल पूरा हो जाता है तो स्पीकर अपने कार्यालय में, अपने पद पर, अपने ऑफिस पर बना रहता है। स्पीकर पुरानी लोकसभा के साथ रिटायर्ड नहीं होगा। स्पीकर का कार्यकाल कब पूरा होगा? जब तक नई लोकसभा इलेक्ट नहीं हो जाएगी और नई लोकसभा की भी पहली बैठक अनाउंस नहीं होगी। जब नई लोकसभा इलेक्ट हो जाएगी, सदन में सदस्य आ जाएंगे और उसके बाद जब उनकी पहली बैठक अनाउंस होगी, उसके बाद जो पुराना स्पीकर है उसका कार्यकाल कंप्लीट हो जाता है और नया स्पीकर चुना जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम प्रोटेम स्पीकर की बात करें बच्चे, तो यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि जब हम पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम रीड करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लोकसभा है, लोकसभा का जो मेन हेड है, अध्यक्ष है, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में प्रिसाइडिंग ऑफिसर, हिंदी में पीठासीन अधिकारी बोलते हैं, और इसी को हम आम भाषा में स्पीकर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर बोल देते हैं। तो जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को रीड किया और कॉन्स्टिट्यूशन में हमने स्पीकर वाला क्लॉज पढ़ा, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि लोकसभा के सभी सदस्य अपने मध्य से, अपने बीच से मत करके, चुनाव करके अपने स्पीकर का चयन करते हैं। हमने इस टर्म को रीड किया कि लोकसभा के सभी सदस्य अपने मध्य से चुनाव के द्वारा अपने स्पीकर का चयन करेंगे। स्पीकर के चुनाव की तारीख लोकसभा इलेक्ट होने के बाद, सदस्य आने के बाद, स्पीकर के चुनाव की तारीख जो प्रेसिडेंट है वो डिसाइड करता है, ठीक।
अब जब इस पूरे वाक्य को, पूरे स्टेटमेंट को हम प्रैक्टिकली समझते हैं, तो प्रैक्टिकली आप इसको खुद से भी समझ कर देखिए प्रैक्टिकली क्या क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर अगर हमने इसको समझा कि भाई 5 साल में हमारी नई लोकसभा चुन गई और जो नई लोकसभा है इलेक्शंस कंप्लीट हो गए, इलेक्ट हो गए मेंबर और लोकसभा में सभी सदस्य आ गए। जब नई लोकसभा होती है और सदस्य चुनकर पहली बार लोकसभा में आते हैं तो अभी उनमें से किसी को शपथ नहीं मिली, और जब तक किसी को शपथ नहीं मिलेगी तो वो सांसद नहीं कहला सकते, मेंबर नहीं कहला सकते। और मेनली शपथ दिलाने का जो काम है वो स्पीकर के द्वारा किया जाता है, तो अभी जब किसी को शपथ नहीं मिली तो वह अपने स्पीकर का चुनाव नहीं कर सकते क्योंकि वो अभी सांसद नहीं है, ठीक है। और उनको शपथ दिलाने के लिए, उनको ओथ सेरेमनी के लिए हमें स्पीकर की आवश्यकता है, ठीक है। जब नई लोकसभा चुनी जाती है और नई लोकसभा के चयनित मेंबर हाउस में आते हैं तो उन्हीं में से किसी एक वरिष्ठ व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है, ठीक है। यानी कि जो प्रोटेम स्पीकर है ये एक टेम्परेरी पद है, टेम्परेरी व्यक्ति होता है, अस्थाई समय के लिए इसका चयन किया जाता है, टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए बनाया जाता है। और इसको जो शपथ है या जो इसकी नियुक्ति है वो की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। जो प्रोटेम स्पीकर है इसको जो शपथ दिलाने का काम करता है वो कौन? राष्ट्रपति। और नई लोकसभा के जितने सदस्य हैं इनमें से मेनली प्रैक्टिकली जो वरिष्ठ व्यक्ति होता है, वरिष्ठ व्यक्ति जो एज में यानी कि सबसे बड़ा होता है। वैसे देखो अगर आप थोड़ा सा फोकस करोगे, आपने खुद से भी समझा होगा, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में जो ये वरिष्ठ टर्म हम बोल देते हैं इसको कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है कि यहाँ पर वरिष्ठ का एग्जैक्ट जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या है। तो यहाँ पर प्रैक्टिकली जो एज में, एक्सपीरियंस में सबसे बड़ा होता है मेनली, उसी को यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है, ठीक। जिस व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है उसे राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है, और राष्ट्रपति द्वारा उस व्यक्ति को राष्ट्रपति भवन में बुलाया जाता है और वहीं उसको प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर अगर आपने सुना होगा कि कई बार आपने पढ़ी होगी एटम कि प्रेसिडेंट द्वारा जब किसी व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई जाती है तो 3 और सब्स्टिट्यूट प्रोटेम स्पीकर भी नियुक्त किए जाते हैं, क्योंकि मेन जो प्रोटेम स्पीकर का जो मेन पर्पस है, जो उसका मुख्य कार्य है वो क्या है? वो नई लोकसभा के जीते हुए चयनित हुए सभी सदस्यों को शपथ दिलाना। प्रोटेम स्पीकर का बच्चे जो मेन फंक्शन है, जो उसका मुख्य कार्य है, वो नई लोकसभा में जीते हुए सभी सदस्यों को, जो नई बैठक में, नई लोकसभा में जो प्रेजेंट व्यक्ति हैं इन सबको जो शपथ दिलाना है वो स्पीकर का, प्रोटेम स्पीकर का एग्जैक्ट मुख्य कार्य है, ठीक है। अब यहाँ पर आप प्रैक्टिकली देखो, कई सारे मेंबर होते हैं लोकसभा में और एक ही हमने व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर बना दिया, उसी को सबको शपथ दिलानी है, तो कई बार प्रैक्टिकली राष्ट्रपति द्वारा एक एग्जैक्ट जो मेन प्रोटेम स्पीकर है और उसके अलावा 2 या 3 सदस्य सब्स्टिट्यूट प्रोटेम स्पीकर के रूप में अपॉइंट किए जाते हैं, उनको भी नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा ही, कि अगर जो एग्जैक्ट जो मेन प्रोटेम स्पीकर है वो थक जाए या किसी कारण से उसको एक तरीके से रेस्ट लेना, तो जो अन्य सदस्य हैं उसकी हेल्प कर सकें और वो प्रोटेम स्पीकर के बिहाफ पर लोकसभा के जो अन्य मेंबर हैं उनको शपथ दिला सकें, ठीक है। तो जो हमारा मेन प्रोटेम स्पीकर है ये उसका मुख्य पर्पज़ है कि नई लोकसभा के जितने भी इलेक्टेड मेंबर हैं उन सबको शपथ दिलाना, ठीक। इसके अलावा जब सभी सदस्यों को शपथ दिला दी जाएगी, सब मेंबर बन जाएंगे, उसके बाद पहली बैठक में सभी सदस्यों को जब शपथ दिला दी जाएगी उसी समय तुरंत ही जो प्रोटेम स्पीकर है उसका पद स्वतः ही स्थगित हो जाता है, और अब लोकसभा के सभी सदस्य अपने मध्य से मतदान के द्वारा अपने स्पीकर का चुनाव करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है बच्चे, जो प्रोटेम स्पीकर है ये एक अस्थाई पद है, एक टेम्परेरी पोस्ट है, सिमिलरली लोकसभा सेंटर के रिगार्डिंग, और सिमिलरली स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली, आपकी राज्य की जो विधानसभा है उसमें भी सेम यही फंक्शन है कि वहाँ पर राज्यपाल के द्वारा प्रोटेम स्पीकर का चयन किया जाता है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होती है।
आप केंद्र और राज्य स्तर पर जब दोनों पर देखते हैं और अगर हमें एक ही वाक्य में एक ही स्टेटमेंट में क्लियर करना हो कि व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ प्रोटेम स्पीकर, तो मेन जो उसका फंक्शन है वो केवल ओथ सेरेमनी से है, वो भी सेंटर के रिगार्डिंग, लोकसभा के जो अदर इलेक्टेड मेंबर हैं न्यू लोकसभा के, और स्टेट के अकॉर्डिंग भी सेम जो विधानसभा के नए सदस्य हैं उनको शपथ दिलाना।